अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल टेकी MSA। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने लॉक स्क्रीन से नोटिफिकेशन कंटेंट को किस तरह से हाइड कर सकते हो। जैसा कि आप यहां लॉक स्क्रीन पर चेक कर सकते हो कि यहां पे मुझे किसने मैसेज भेजा, इसका नाम और उसने क्या मैसेज भेजा है वो सब यहाँ पर शो हो रहा है। तो अपने मोबाइल के लॉक स्क्रीन से नोटिफिकेशन कंटेंट को हाइड करने के लिए सिंपली आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में चले जाना है और यहाँ स्क्रॉल करने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा नोटिफिकेशंस। बस इस वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है और यहाँ टॉप पर आप देख सकते हो लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन का एक फीचर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसा आप इस पर टैप करोगे आपको यहाँ पे आपके मोबाइल के सारे एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से आप किसी भी एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन को हाइड कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल जाएगा फॉर्मेट करके। इस पर टैप करने के बाद आपको कुछ और ऑप्शन भी देखने को मिल जाएंगे। आपको यहाँ से सेकेंड वाला ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है और अगर आप लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन उस एप्लीकेशन की देखने को नहीं मिलेगी लॉक स्क्रीन पर। आप लोग को दिखाने के लिए मैं सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद मेरे लॉक स्क्रीन पर सिर्फ नोटिफिकेशन आएगी, हमारा कंटेंट शो नहीं होगा। अभी मैं दूसरे मोबाइल से इस व्हाट्सएप पर मैसेज भेज कर आपको दिखा दूँगा। यहाँ पर आप लॉक स्क्रीन पर देख सकते हो मुझे नोटिफिकेशन मिल चुकी है मगर मुझे कंटेंट और नाम नहीं बता रहा है। तो इस तरह आप भी अपने मैसेजेस को प्राइवेट रख सकते हो कंटेंट हाइड करके। आज के लिए बस इतना ही। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब पर एक साथ क्लिक कर दें। थैंक्स।